चरखी दादरी में जन स्वास्थ्य विभाग के ठेकेदार 15 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जन स्वास्थ्य विभाग के ठेकेदारों का कहना है कि उनके द्वारा किए गए कार्यों की बकाया पेमेंट नहीं दी गई, जो लगभग 7 करोड़ रुपए है। ठेकेदारों का कहना है कि पेमेंट ना मिलने के कारण उन्हें आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है। लेबर को रुपए देने के लिए पैसे नहीं है, घर पर खर्च करने के लिए भी पैसे नहीं है। ठेकेदारों का कहना है कि अब शादी का सीजन आ चुका है और 45 ठेकेदारों को अपनी लड़कियों की शादी करनी है, लेकिन उनके पास रुपए नहीं, जिसके कारण वो परेशानी को झेल रहे हैं। दादरी ठेकेदार यूनियन के सभी ठेकेदार, 16 तारीख से हमने धरना शुरू किया था और आज हमारा 15वां दिन है। हमारी मुख्य रूप से 4 मांग हैं, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे जो 5.5 करोड़ के बिलों के टोकन लग रहे हैं उनकी तो खाली अल्लो सियाणी है, और जो करोड़ का आसपास हमारे बिल पास हैं लेकिन उनका टोकन नहीं लग रहे क्योंकि एस्टिमेट पास नहीं हो रहा, वो एस्टिमेट पास होगा जब उनका टोकन लगेंगे। तीसरी बात यह, मौखिक तौर पर महकमा ने हमारे से काम करवा रखा है सभी ठेकेदारों से, जो 1.25 करोड़ का आसपास के कागज़ वो कागज़ नहीं बने आज तक, 2017 के बाद में किसा का बनेगा किसा का रह गया। चौथी मांग ये है कि हमारे GST जो 12% लगती थी वो 18 लगने लगी, वो GST भी 12% की जाए। तो इसलिए हमने चरखी दादरी में तो हमारे कम से कम भी ये 7 करोड़ के आसपास हैं, और भिवानी सर्कल की बात करें तो ये 500 डिवीज़न हम कम से कम भी 100 करोड़ से भी पूरा अमाउंट है, और पूरा हरियाणा के तीनों जो डिपार्टमेंट ही करा तो 2000 करोड़ के आसपास था B&R पब्लिक हेल्थ इरीगेशन की, और पूरा हरियाणा में हड़ताल है। और या 2 तारीख को पूरा हरियाणा के ठेकेदारों की जींद में मीटिंग होगी, उस दिन को हरियाणा लेवल पर कोई अलग से फैसला लिया जाएगा मौके के हिसाब से। और शहर का भी बुरा हाल हो रहा है, आज हमारे साथ संदीप होगा, काम कैसे चलेगा, क्यों हमारे पास भी लेबर है, किसी के पास 20 आदमी, किसी के पास 30 आदमी है, सीमेंट है, रोड़ी है, बजरी है, क्रेशर है, सब की उधार है, किसी ने बैंक से लोन ले रखा है तो किसी ने मेरे तेरे बरगे 2 रुपये सैकड़न ब्याज ने ले रखे हैं। अब शादी का सीजन चल गया, कुछ ठेकेदार तो हमारा पंचारी से है बुजुर्ग, उनकी लड़की की शादी की तारीख आ गई, उनको पहले उधार ले रखे तो उनका काम कैसे चलेगा। तो ये समस्या हमारी है और ये हमारी नहीं।